guys, so today let's see the alphabets in Deutsch. So आज हम देखेंगे alphabets, how we pronounce or how we use them, and there are some variations. कुछ differences है alphabets में English और German में, but if you know English alphabet, then German alphabets are also easy. They are nearly same. एक्सेप्ट फॉर देयर आर सम उमराउट्स, कुछ कुछ उमराउट्स होते हैं उसमें, वरना वो लगभग सारे सेम है. ठीक है, तो सबसे पहले शुरू करते हैं वेरी फर्स्ट. या सो वेरी फर्स्ट इज ए. सो ए वी से इन जर्मन, आ जर्मन में कैसे बोलेंगे, ए ए ए को ए नहीं बोलेंगे, उसको बोलेंगे आ आ आ. ओके, तो मैं काम करता हूँ. लेट्स से फर्स्ट आई विल प्रोनाउंस ऑल द अल्फाबेट्स, देन आई विल टेल वन बाय वन. आ बे से दे ए एफ गे 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 हा ई योट के एल एम एन ओ पे कू U R R R S A U V Volkswagen वाली गाड़ी होती ना, Volkswagen, Volkswagen नहीं होती, Volkswagen होती है, जर्मन का वर्ड है Volkswagen. Then क्या है, W W W W का क्या है, W X Upsilon, Y को तो Y बोलना चाहिए पर हम बोलेंगे Upsilon. Z Z ठीक है. तो सबसे पहले A आ आ जो हिंदी वाला होता है ना आ, वो वाला आ. उसके बाद बी बे बे बे, अबे यार वो बोलते हैं ना हिंदी में बे, आ आ बे आ का भी समझ रहे होगे. आ में क्या है, आ में भी जैसे ए वाली साउंड निकालते उसमें निकलता है आ, है ना, आ बे जो हमारी आ की मात्रा होती है आ आ ए ए ई ई, है ना, वही है आ. बे से से से, सी को से नहीं से से बोलेंगे से. ठीक है, डी डी भी गलत है, डे बोलते हैं डे डे, वो होता है ना हमारे डी ए वाई डे, हाउ वाज योर डे, दिखा देता हूँ डी ए वाई डे, हाउ वाज योर डे, तो वो वाला डे बोलना है, डे डी वाला डी नहीं बोलना, डे बोलना है. उसके बाद ए ए, वैसे हम टेम्पटेशन आई कि हम ई बोलें पर ए बोलेंगे, ए ए जो हम हिंदी में बोलते हैं ना, एक ही मात्रा ए ए ई ई, तो ए ए ए सुनना, वो बोलते हैं मराठी में ए सुनना. उसके बाद क्या हो गया हमारा ए. ठीक है, एफ एफ को एफ ही बोलेंगे एफ. फिर गे, गे का शब्द याद कर लो, जी ए वाई गे, जी ए वाई होता है ना गे, ट्रांसजेंडर गे, जी नहीं बोलेंगे गे बोलेंगे गे. एच हा हा हा, है ना, आई का ई ई हो गया ई, जबकि हम सोचेंगे आई बोलना चाहिए पर हम बोलेंगे ई. ठीक है ना, एक सिंपल ई है आई के लिए. उसके बाद जे, जे में टेम्पटेशन है कि जे बोलने की, पर होता हॉट हॉट, क्या बोलते हैं हॉट, जो स्पेनिश सीख रहे हैं वो उन्होंने उनको पता होगा होटा होटा होता होटा, तो जर्मन में भी उसी की तरह होता है, जे जे नहीं होता हॉट होता है. ठीक है, हॉट हॉट लर्न कर लो, हॉट कूल हॉट कूल, शी इज हॉट ही इज कूल, है ना. आई आई का ई हो गया ना, जे के को के बोलेंगे के. ठीक है ना, एल 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 ये सब सेम है, के एल एम 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 एन ओ. ठीक है ना, ओ. उसके बाद पी को बोलेंगे पे. ठीक है, जैसे पेटीएम करते हैं ना हम इंडिया में, पे वी से पेटीएम, आई एम डूइंग पेटीएम, तो जो पी ए वाई में टी एम हटा देंगे पे, वो वाला पे है पे पे. ठीक है, स्पेनिश में भी ऐसा होता है ना, पेरो पेरो, वो वाला पे, इंग्लिश में हम पी बोल लेते हैं. ठीक है, कू कू, वो जो हमारी कू वाली चिड़िया होती है इंडिया में, कू कू कू. उसके बाद कू, है ना.
उसके बाद एर 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 एर, ये जो आवाज निकल रही है एर, थोड़ा गला सुखा के मतलब कैसे बोल लो, बस ऐसी आवाज निकालनी है एर। ठीक है, अभी डिपेंड करेगा तुम कहाँ जा रहे हो, जर्मनी में तो वहाँ अलग अलग जगह कुछ अलग अलग बोलेंगे, है ना। मतलब धीरे धीरे साउंड पता चलेगी कहाँ पे कैसी बोलनी है। वैसे नॉर्मली एर, एस एस को ऐसे बोलेंगे। फिर वी विल से टी ते ते, है ना, टी को टी नहीं बोलेंगे हम, बोलेंगे ते ते ते। ते का कोई शब्द है इंग्लिश हिंदी में? तेंगो, एक स्पेनिश का शब्द है तेंगो, तेंगो है, तेंगो है, ते ते बोलेंगे ना, ते, या फिर ऐसे लिख सकते हो ते ते, है ना। उ, उसके बाद जो यू है उसको यू नहीं बोलेंगे, उसको बोलेंगे उ, है ना, उ, जो उ वाली मात्रा होती है हिंदी में, उ। अभी ये वाला सुना है, ये वॉक्स वागन, ये जो इंडियन में लोग गाड़ी खरीदते हैं, वॉक्स वागन भी है, वॉक्स वागन पोलो, फिर बहुत सारी गाड़ी होती है ना वॉक्स वागन, मेरे को तो पोलो ही पता है। तो ये जो वी होता है ना, ये जर्मन शब्द है, VOLKSLK, वॉक्स वागन। तो वी को फॉ बोलते हैं, फॉ, तो क्या बोलेंगे, फॉक्स वागन, फॉक्स वागन, ऐसे लर्न कर लो, फॉक्स वागन। लर्न नहीं करना हो तो अपने आप हो जाएगा 2 दिन में, वो फॉक्स वागन। ठीक है, वे, W का हो गया वे, ठीक है, वे लर्न कर लो, वे कहीं जाने का पाथ होता है ना, वे इज देर अवे, है ना। एनीवेज एनीवेज, ठीक है, वे। उसके बाद इक्स इक्स, ठीक है ना। उसके बाद उपसिलोन, जो वाई होता है उसको हम स्पेलिंग, मेरे को पता नहीं, चेक कर लेना नेट पे, शायद ही होती है, उपसिलोन, है ना, उपसिलोन। ये किसके लिए हो गया, वाई के लिए हो गया, उपसिलोन। जेथ जेथ, ठीक है, जेथ, इनके शब्द बना ले। अब ए से हम जो इंग्लिश में सीखते हैं, एप्फल अपफल, तो एप्फल मत बोल देना, अपफल अपफल, ठीक है। उसके बाद बी, बी बे बोला था ना मैंने, बे से क्या बना है, बर्लिन बर्लिन बर्लिन, जो जर्मनी की कैपिटल है, बर्लिन बेलिन, है ना, कुछ भी बोल लो, बर्लिन बेलिन, पर बी को बे बोलेंगे, बर्लिन। ठीक है, सी, सी से क्या बना है, करीवुर्स्ट, करीवुर्स्ट बहुत फेमस है जर्मनी में, शायद मीट का होता है वो, करीवुर्स्ट। इससे एक और याद आ गया, ब्रातवुर्स्ट, ब्रातवुर्स्ट, है ना, ब्रातवुर्स्ट, वाइसवुर्स्ट, वाइसवुर्स्ट, ये एक तरह के मीट हैं, वुर्स्ट लगते हैं इन सबके पीछे, वुर्स्ट, इनको एक साथ याद कर सकते हैं। फिर अब डी से क्या माने, डी से दोर्फ, दोर्फ क्या होता है हिंदी में, गांव, विलेज, इंग्लिश में, इन इंग्लिश क्या, विलेज, दोर्फ गांव, छोटा शहर, दोर्फ दोर्फ, है ना। ई से ई से तो कुछ याद नहीं आ रहा, एरलिश एरलिश, है ना, एक, एक मतलब कोना, कोपचा जो बोलते हैं। उसके बाद एफ, एफ से क्या बने, फ्लाइजिश, हार्ड वर्किंग, जो हार्ड वर्किंग होते हैं उसको फ्लाइजिश कह देते हैं ना। एक और याद आ गया, फ्लाइश, फ्लैश होगा ना, जो हिंदी में बोलते हैं फ्लैश, फ्लैश जो खाते हैं नॉनवेज, एनिमल फ्लैश, फ्लैश। गे, गे से हो गया, गेत्रांक, गेत्रेंक, गेत्रेंक, क्या है, गेत्रेंक होगा शायद, गेत्रेंक, ये चेक करना पड़ेगा। गेत्रेंक मतलब ड्रिंक्स, जो ड्रिंक होती है ना ड्रिंक्स, इसमें गे की आवाज आ रही है ना, गे, वो गे वाला गे। उसके बाद एच, एच से हो गया हाउस, ये तो बहुत आसान है, हाउस, जो इंग्लिश में हाउस होता है वही बोल दो, हाउस, हाउस बोलेंगे, ज की आवाज निकालेंगे। आई, इंडोनेशियन, ठीक है,
इंडियन जो हमारे हमारी कंट्री है इंडियन, हम बोलेंगे ना हम इंडिया से, तो हम बोलेंगे इंडियन, इंडिया नहीं बोलेंगे। इंडिया इज रॉन्ग, इंडियन इज करेक्ट। ओके, जे जे से क्या हो गया, याकर, जे का बताया था ना मैंने, हॉट हॉट बोलते हैं, क्या होता है हॉट वगैरह, मतलब हाँ की साउंड निकालते हैं, याक, तो इसको जाका नहीं बोलेंगे, ये जैकेट होती है, तो ये होगा याक याक। ठीक है, के से क्या हो गया, के से कुंस्त, कुंस्त मीन्स आर्ट, जो हम ड्राइंग वगैरह बनाते हैं, आर्ट डायरेक्ट ट्रांसलेशन है इसका, 1 to 1 आर्ट। हाँ डायरेक्ट ट्रांसलेशन मतलब, हाँ कुछ वर्ड होते हैं जिनका हम कुछ प्रपोजिशन या बहुत चीज़ ऐसी है, जब हम नई लैंग्वेज सीखते हैं तो हम डायरेक्ट ट्रांसलेशन करना हमेशा नहीं करना चाहिए, क्योंकि कुछ कुछ चीज़ होती है जो हर लैंग्वेज के अलग टर्मिनोलॉजी होती है ना, ऐसे इसमें तो डायरेक्ट ट्रांसलेशन है, पर कुछ कुछ ऐसी चीज़ होती है जिसमें हम डायरेक्ट ट्रांसलेशन ढूंढ नहीं सकते, तो वो टाइम के साथ पता चल जाता है कि हाँ ये यूज़ करना है, वो यूज़ करना है ना। उसके बाद एल, एल से क्या बने, लाउफ, लाउफन, लाउफन की जगह लोइटा। ठीक है, लोइटा मतलब लोग, बहुत सारे लोग। एम, एम से मर्सिडीज, ये जर्मन नाम है शायद, मर्सिडीज बोलते हैं ना। एम से किसी और गाड़ी का नाम है क्या, मारोको, मारोको तो कंट्री का नाम है, वो आती है अफ्रीका में ऊपर की तरफ, मारोको, और जो मारोका का रहने वाला इंसान है उसको बोलेंगे मारोकाना। ऐसे बर्लिन के रहने वाले इंसान को बर्लिनर, जैसे हमारे बोलते हैं ना पंजाबी हरियाणवी, मतलब जो लोग जहाँ के होते हैं पहाड़ी, वैसे बोल देते हैं बर्लिनर। एक आखेन शहर है जर्मनी में, तो उसमें ई आर लगा देंगे आखिरी में, आखेनर। ठीक है, मतलब आखेनर का निवासी। उसके बाद एम के बाद एन, एन से क्या बनाए, नॉइन, नॉय, नॉय का मतलब क्या होगा, नया कोई। ठीक है, उसके बाद ओ, ओपा, ओपा मतलब दादा, दादा ग्रैंडफादर। ओमा, ओमा क्या हो गया, दादी नानी। पे, पे से क्या हो गया, प्युंकलिश, प्युंकलिश क्या होगा ये तो पता होगा, थोड़ा इंग्लिश जैसा साउंड कर रहा है ना ये, इट साउंड्स लाइक इंग्लिश, सो इट इज पंचुअल, पंचुअल, जर्मन्स आर वेरी पंक्चुअल यू नो, जर्मन्स थोड़े पंचुअल होते हैं। उसके बाद क्यू, क्यू का तो मेरे को कुछ याद नहीं आ रहा। क्वाश, क्वाश, क्वाश मतलब जर्क होता है, चेक करना पड़ेगा इसको, चेक करना, एक क्यू से वर्ड है क्वाश करके। उसके बाद हाँ एक और चीज़, ऐसे मेरा नाम हर्च है तो बहुत सारे जर्मन लोग ना मेरे को हाँ ये लिखेंगे, HARSCH, SCH बहुत कॉमन है जर्मन में, बहुत बार SH की जगह वो SCH ही लिख देते हैं, तो वो मेरे को ऐसे बोलते हैं हमेशा, जैसे SCH, एस से एक वर्ड देख लेते हैं, स्वाइस मतलब स्विट्जरलैंड है ना, क्यू के बाद ऐसा आता है क्या, नहीं आर, आर रह गया। आर से क्या, राइन, राइन क्या है, राइन रिवर है, ये फ्लो करती है जर्मनी के बीच में और एक और इसके साइड में लैंड है वेस्ट के बीच में ना, थोड़ा जब मैं पढ़ाऊँगा मैं थोड़ा सा और चीज़ें बताऊँगा है ना, कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें, तो राइन वर्ड तो नहीं है ये, फ्लूस है, फ्लूस मतलब ये एक रिवर या सी जो भी कह लो वो है, ये कंट्री के बीच में बॉर्डर, बॉर्डर पे जाती है ये फ्रांस और उसके, शायद फ्रांस ही है, तो ये राइन रिवर है। उसके बाद एस, एस से देखो स्वार्ट्स, ये मैंने अपना निकनेम रख रखा है स्वार्ट्स का मतलब होता है ब्लैक, एक और इंटरेस्टिंग वर्ड है स्वार्ट्स फारर, ये होते हैं वो लोग जो मेट्रो ट्रेन में नहीं घुस जाते और टिकट नहीं लेते, तो वी कॉल देम स्वार्ट्स फारर, मतलब इंग्लिश में पता नहीं क्या बोलते हैं, पर ये बोलते हैं जो टिकट नहीं लेते और ट्रेन में चढ़ जाते हैं, स्वार्ट्स फारर। इस पे एक यूट्यूब पे फिल्म भी है छोटी सी 20 मिनट की, बढ़िया है वो देखना, जर्मनी में वो। उसके बाद बट वो पुरानी है, उसके ग्राफिक्स पुरानी है 20 या 16 साल। आफ्टर डैट वी हैव टे, टे से टी बना दो, इसको जर्मनी में टी बोल देते हैं तो टे बोल देते हैं ना, क्राउटर टे भी होता है एक, हर्बल टी क्या बोलते हैं वो। उसके बाद यू, यू से क्या बनाए,
यूवेन, यूवेन बढ़िया शब्द है बहुत। यूवेन मीन्स प्रैक्टिस करना, है ना। मैं यूवेन करूँगा। अच्छा यू, नहीं, इसके ऊपर तो इम्लाउट है। यू हो गया, नहीं, यू से रह गया ना अभी। उन्तर, उन्तर मतलब अंडर, किसी चीज के नीचे, है ना, अंडर। वी, वी से क्या हो गया, फॉक्स। हाँ वी तो मैंने ऊपर बता दिया था क्या कर रहा हूँ मैं। वी है ना, वॉक्स वागन, फॉक्स वागन, फॉक्स वागन बोलेंगे, वॉक्स वागन नहीं बोलेंगे, है ना, वॉक्स वागन, विल से फॉक्स वागन। वे, वे से वाइस, वाइस मतलब वाइट, व्हेन एनीथिंग इज वाइट। एक्स, एक्स से जाइलोफोन होगा शायद, मेरे को चेक करना पड़ेगा जर्मन वर्ड है या नहीं, पर एक्स से बहुत कम वर्ड है जर्मन डिक्शनरी में, है ना, बहुत कभी यूज होगा एक्स से। उसके बाद हो गया वाई, वाई से क्या होगा, जेड से कर लेते हैं पहले, बहुत कंफ्यूजिंग है भाई। अजान, जान मीन्स टीथ, है ना। वाई का क्या था, वाई का तो अभी भी रह गया ना। एक वेबसाइट है वो मैं बता देता हूँ, वो इस पे मैं ढूंढता हूँ जब मेरे को कोई डाउट होता है ना, वेर फॉर्मेंट डॉट डी। तो कोई भी डाउट हो इस पे सीधा वाई लिख दो, ये सारे वर्ड बता देगा, है ना, थोड़े से वर्ड है वाई से बस। याक लर्न कर लो, वाई और एक्स से बहुत कम वर्ड है जर्मन में, बहुत कम। याक लर्न कर लो, जो याक होता है ना, अब इसमें डाउट है, इसको सर्च भी मार लो गूगल में, और क्या, याक एनिमल होता है ना, एनिमल, येरा याक। हो गया हमारे ए टू जेड, अब हमारा क्या रह गया। सॉरी गाइस थोड़ा लंबा हो रहा है, बट आज मैं खाली हूँ तो मैं बहुत धीरे धीरे बना रहा हूँ। ए, ए हो गया ना। एक, अब ए ई आई यू जो इंग्लिश में होता है ना, ए ई आई ओ यू, ये जर्मन में भी होता है, वो तो अभी मैंने बताया ही था, पर ये उमराउट के साथ भी होता है। सारे लिख देता हूँ एक बार मैं। ई क्या हो गया, ओल्ड प्लस एंटर, ये बढ़िया वेबसाइट है, इसमें जर्मन में टाइप कर सकते हो, इसको मैं यूज़ करता हूँ बहुत बार। ए ई, अरे यार टाइप क्यों नहीं हो रहा, इसको रिफ्रेश कर देते हैं। क्या हो गया भाई, ए आई ओ दिखा देता है एक बार। उमलाउट इन जर्मन, इसको सर्च कर लिया करो ना, सब मिलता है नेट पे। अब एक ये वाला ए हो गया, इसको ए बोलेंगे ना, ए। ये वाला ए है ना, ये उस ए से अलग है, जो जर्मन वाला ए है हम उसको आ बोलते हैं ना, आ। ये वाला जो है ना, इसको हम असली में ए बोलते हैं, तो ये होता है ए असली में जर्मन में। उसके बाद उ, ठीक है ना, यूस्टेराइश, यूस्टेराइश, है ना। जब वर्ड लर्न करोगे जब अपने आप पता चल जाएगा, अभी तो मैंने भी ऐसे लर्न कर रखे हैं। यूबराशुंग, 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 यूबराशुंग मतलब सरप्राइज, तो उसमें ये यू यूज होता है, यू यू यू, है ना, यू, जैसे होठ घुमा रखे हैं मैंने, कैसे बना लो आज, ए यू यू, ठीक है ना। इनके ऊपर यूमलाउट होता है, वो जो मैंने ई और वो दूसरे बताए थे ना, आई उनके ऊपर नहीं होता, वो पता नहीं मैंने क्यों लिख दिया, वो वेबसाइट चल नहीं रही। ए उमलाउट, ओ उमलाउट, अच्छा बन गए, मैं ई पे उमलाउट डाल रहा था, ए ओ यू, ठीक है ना, ए यू 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 यू, जो यू बोलते हैं हम हिंदी में, यू यू, छी, वही वाला, ठीक है ना। हो गया बस हमारा, अब इसमें क्या बता रहे हैं, प्रोनाउंसिएशन बता रहे हैं ये सब। एक और रह गया, एक हमारा ये वाला एस करेक्टर भी होता है, शार्प एस, शार्प एस कहते हैं इसको। ये डबल एस होता है एक तरह से, तो ये सब
आज के लिए है, अगली बारी हम कुछ और करेंगे इंटरेस्टिंग, है ना। और 1 2 3 कैसे बोलते हैं जर्मनी में? आइन ज्वाई ड्राई, आइंस ज्वाई ड्राई, ठीक है। तो मैं बाई कह रहा हूँ तो मैं कहूँगा ड्राई, देखो ड्राई ज्वाई आइंस नूल, बाय बाय, चूस।